गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सर कृतिका, आई एम लेक्चर आर एट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट इन मेहरचंद पॉलिटेक्निक कॉलेज जलंधर। टुडे वी विल कवर आर न्यू टॉपिक दैट इज डिजिटल टीवी रिसीवर अंडर द सब्जेक्ट नेम ऑफ ऑडियो वीडियो सिस्टम। अब डिजिटल टीवी रिसीवर में हमारे पास कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं, हम उसके बारे में पहले बात करेंगे। जो हमारे रिसीवर है या ट्रांसमीटर है, आजकल उसमें VLSI चिप लगती है, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो उसमें ही हमारे ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं या जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं। तो एक VLSI चिप के ऊपर हमारे सारे के सारे यूनिट्स जो है वो एम्बेड किए होते हैं, और इसीलिए हमारा डिजिटल टीवी रिसीवर में ट्रांसमीटर भी है, रिसीवर भी है, और एंटीना हमारे पैराबोलिक एंटीना यूज हो रहा है जो हमने कनेक्ट किया होता है अपने घर के छत पे। ठीक है, अब VLSI चिप के साथ हमारे जो रिसीवर में फंक्शंस हैं VLSI चिप के ऊपर वो कौन कौन से हैं, दैट इज वीडियो कोडेक एंड वीडियो प्रोसेसर, देन डिफ्लेक्शन प्रोसेसिंग यूनिट, ऑडियो कोडेक, ऑडियो प्रोसेसर एंड सेंट्रल कंट्रोल यूनिट। अब इन सब यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, डिजिटल बोर्ड ब्लॉक डायग्राम किस तरह से है। दिस इज आवर डिजिटल टीवी रिसीवर। अब आप इसमें देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ये है डिजिटल टीवी रिसीवर। सबसे पहले अब रिसीवर की बात कर रहे हैं तो नेचुरली एंटीना ही हमारे सिग्नल को रिसीव करेगा। तो सबसे पहले एंटीना लगा हुआ है जो हमारे सिग्नल को रिसीव करेगा। जैसे ही एंटीना हमारे सिग्नल को रिसीव करेगा, उसके बाद हमारा सिग्नल जाएगा ट्यूनर के पास। ट्यूनर ने क्या करना है, हमारे सिग्नल को रिसीव करके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसको ट्यून कर देना है, और उसको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब वो ट्यून कर लेगा, उसके बाद हमारा सिग्नल IF एम्पलीफायर एंड डीमोडुलेटर के पास जाता है। हमने ट्रांसमिट करते टाइम सिग्नल को मॉड्यूलेट किया था, तो अब रिसीव करते टाइम हम उसको डीमॉड्यूलेट करेंगे और एम्पलीफाई करेंगे। तो जो डिजायर्ड सिग्नल हमें चाहिए वो वाला डिजायर्ड सिग्नल हमारा सेलेक्ट हो चुका है। देन हमारे पास नेक्स्ट ब्लॉक आता है ऑडियो कोडेक, वीडियो कोडेक एंड सिंक्रोनाइज प्रोसेसर। अब ऑडियो कोडेक और वीडियो कोडेक क्या है, अब अगर हमें पता है जो सिग्नल हमारे पास रिसीव हुआ है उसमें हमारे पास ऑडियो भी है और वीडियो भी है। ठीक है, तो अब अगर हम ऑडियो और वीडियो दोनों की बात करते हैं तो उन दोनों का सिग्नल हमें अलग अलग मिल रहा है। अब ऑडियो कोडेक है क्या, ऑडियो कोडेक एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम होता है जो हम कंप्रेस या डीकंप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम रिसीवर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ऑडियो को डीकम्प्रेस करेंगे और वीडियो को भी हम डीकम्प्रेस करेंगे, और सिंक्रोनाइज प्रोसेसर उन दोनों को सिंक्रोनाइज करके रखेगा अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डीकम्प्रेशन हुई, यहाँ पे भी वीडियो की डीकम्प्रेशन हुई, और वीडियो के साथ हमने सिंक प्रोसेसर रखा हुआ है ताकि वो प्रॉपरली सिंक्रोनाइज रहे सिग्नल हमारा। अब यहाँ से ऑडियो डीकम्प्रेस जो हो चुका है उसको आगे प्रोसेस करना है, यहाँ से जो वीडियो डीकम्प्रेस हुआ है उसको आगे प्रोसेस करना है, देन ऑडियो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा हुआ है एंड वीडियो प्रोसेसर के साथ फ्रेम स्टोर लगा हुआ है। हमें पता है जब हम वीडियोज की बात करते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ पिक्चर्स की बात करते हैं कि एक सेकेंड में कितने फ्रेम्स जो है वो हमारी आईज के आगे से निकल रहे हैं, दैट इज फ्रेम स्टोर। तो जितनी भी फ्रेमिंग के पैरामीटर्स है, जितनी फ्रेमिंग सेटिंग है वो यहीं पे होती है। और ऑडियो ऑडियो डी टू ए कन्वर्टर क्या करता है, यहाँ पे हमारे सिग्नल को, ऑडियो सिग्नल को इस फॉर्म में दे देता है ताकि हम उसको स्पीकर के ऊपर सुन सकें। सो ऑडियो आउटपुट के बाद हमने यहाँ पे स्पीकर्स लगाए हुए हैं लेफ्ट एंड राइट, और यहाँ से हमारी जो ऑडियो है वो स्पीकर के ऊपर आ गई, यानी कि रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया। अब यहाँ पे टीवी रिसीवर में हम टीवी की ही बात कर रहे हैं, तो टीवी ने रिसीव किया तो हमें जो सिग्नल रिसीव हुआ है वो हमें टीवी के स्पीकर के थ्रू हमें सुनाई देता है। और वीडियो में भी अगेन वो वीडियो डी टू ए कन्वर्टर लगा हुआ है। अब वीडियो में हमारे पास तीन कलर्स आते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं। उसके थ्रू हमारी जो टीवी की स्क्रीन है उसके ऊपर इमेज एक फॉर्म हो जाती है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है सारा कुछ। और ये जो इमेज फॉर्म हो रही है इसके बेसिस पे हम टीवी के ऊपर वीडियो सिग्नल देख लेते हैं।
अब जो सिंक्रोनाइज प्रोसेसर है ये हमने क्यों लगाया, ताकि जो हमारा वीडियो सिग्नल है जब वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है तो वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। क्या सिंक्रोनाइज होना चाहिए? उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए हमने सिंक्रोनाइज प्रोसेसर लगाया है, जिसको हमने अटैच किया डिफ्लेक्शन ड्राइव के साथ। उसके बाद एच एन वी आउटपुट है, ये पावर सप्लाई है हाई वोल्टेज, और यहाँ से हम सिग्नल हमारी कॉइल्स को दे देते हैं। अब यहाँ से वो कॉइल कौन सी है, डिफ्लेक्शन कॉइल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉइल्स को यहाँ से वोल्टेज मिल गई, और यहाँ से वोल्टेज के बाद वो ट्यूब के साथ अटैच है, जिससे कि हमें स्क्रीन के ऊपर सिग्नल नजर आ जाता है। तो यहाँ से हमें वीडियो सिग्नल मिल गया और यहाँ से हमें ऑडियो सिग्नल मिल रहा था। अब ये एस एम पी एस जो है, ये दिस इज ऑल अबाउट आर पावर सप्लाई। कुछ अप्लाइंसिस को एसी मेन्स चाहिए होती है, कुछ अप्लाइंसिस को डीसी सप्लाई चाहिए होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब ये सी सी यू क्या है, दिस इज आर प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं, तो अब अगर हम बात करते हैं अपने रिमोट की, तो हमारा रिमोट जो है उसके आगे एक रेड लाइट जल रही होती है। वो क्या इंडिकेट करता है, वो सेंसर्स है बेसिकली। एलईडी लाइट जल रही है जो शो करती है कि वो हमारा जो टीवी है वो रिमोटली हमारे ट्रांसमीटर के साथ काम कर रहा है। मतलब जो हमारा रिमोट है उस टाइम वो रिसीवर बना हुआ है, और जो टीवी है वो ट्रांसमीटर बना हुआ है। तो रिमोट रिसीवर के थ्रू हम अपने जो टीवी है उसको ऑपरेट कर सकते हैं वायरलेसली। और इसके लिए भी हमारे पास एक सिंक्रोनाइजिंग ट्यूनिंग कंट्रोल होना चाहिए, जैसे हमें पता लगे कि इस टाइम वॉल्यूम का बटन दब रहा है, इस टाइम चैनल चेंज हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं हमारे टीवी रिसीवर में, ठीक है। और अगेन वो किसके साथ अटैच्ड है, ट्यूनर और आईएफ एम्पलीफायर एंड डीमोडुलेटर के साथ। अब ये जो सीसी यूनिट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट। दिस इज बेसिकली अ माइक्रो कंट्रोलर इटसेल्फ। तो कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट है जो इसको फर्दर सारे के सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इसके मेरिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं डिजिटल टीवी रिसीवर के। डिजिटल टीवी रिसीवर हैव द फॉलोइंग मेरिट्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्वालिटी और साउंड रिप्रोडक्शन। इन तीनों के बेसिस पे हमने बताना है कि इसके मेरिट्स क्या हैं। इट रिड्यूस्ड घोस्ट, घोस्ट होता है एक इमेज का फॉर्म होने लग जाती है जब हम टीवी देख रहे होते हैं। आजकल तो वैसे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, जो पुराने टीवी जब हम देखते थे तो उसमें जब एक पर्सन की इमेज आ रही है तो उसके साथ एक पिक्चर, शेडो सी पिक्चर साथ में आती थी उसकी, जिसको हम रिड्यूस घोस्ट बोलते हैं बेसिकली। तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। तो इट रिड्यूस घोस्ट, इट रिड्यूस्ड 50 हर्ट्ज फ्लिकर। आप सबको पता है जब हमने डिजिटल टीवीज की या नॉर्मल टीवी की बात करी थी, स्कैनिंग रेट्स की बात करी थी, तो उसमें हमने बताया था जो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्वेंसी दैट इज 50 हर्ट्ज, और उसके कारण जो हमारा फ्लिकर है वो रिड्यूस हो जाता है। फ्लिकर क्या है, जो हमारी एकदम से स्क्रीन ब्लिंक करती है जब एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे जाती है। नेक्स्ट इज हाई रेजोल्यूशन पिक्चर। नेचुरली ये डिजिटल है तो हमारी जो पिक्चर्स होंगी वो हाई रेजोल्यूशन होंगी। पिक्चर इन पिक्चर पी आई पी इसको बोलते हैं, ये पर फ्रेम के हिसाब से होती है। बेसिकली इसको पिक्सल इन पिक्चर बोलते हैं, कि एक पिक्चर के अंदर कितने पिक्सल हैं, जितने पिक्सल ज्यादा होंगे उतनी पिक्चर की क्लैरिटी ज्यादा होगी। देन स्लो मोशन एक्शन की इसमें एक हमारे पास प्रोविजन है कि डिजिटल सिग्नल में हम स्लो मोशन एक्शंस भी देख सकते हैं प्रॉपरली, और इवन हम उसको रिकॉर्डिंग करते तो उसको स्लो मोशन पे भी चला सकते हैं। देन इजी अडॉप्शन ऑफ एडिशनल डिस्प्ले, अगर हम एडिशनली कुछ इस पर एडअप करना चाहते हैं तो इजिली कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल सेटअप बॉक्स के साथ डीवीडीज भी अटैच होने लग गई है। देन रिड्यूस ऑपरेशनल इंस्टेबिलिटी, अगर कोई इंस्टेबिलिटी आ रही है तो उसको भी रिड्यूस करता है। इम्प्रूव रिसेप्शन इन फ्रिंज एरियाज, या फ्रिंज एरियाज बोलते हैं, तो जहाँ पे भी नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी या वहाँ पे पिक्चर क्वालिटी पुअर हो जाती थी, उन जगह पे भी इसकी रिसेप्शन जो है वो पावरफुल है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेरिट्स ऑफ डिजिटल टीवी रिसीवर। पहले आपको इसका ब्लॉक डायग्राम क्लियर होना चाहिए। अगर आपको इसका ब्लॉक डायग्राम क्लियर है देन ही आप बता सकते हो कि इसके मैरिट्स क्या हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिजिटल टीवी रिसीवर। अब जो अगर आपने किसी ने वैसे क्वेश्चन करा नहीं, अगर फ्रिंज एरियाज की बात करते हैं कि फ्रिंज एरियाज कौन से होते हैं, फ्रिंज
फ्रिंज एरियाज को हम रूरल एरियाज नहीं बोलते, ये बेसिकली ज्यादा अर्बन एरियाज जो होते हैं, जैसे जहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा हाई होती हैं, ऊंची होती है, वहां पे हम ये फ्रिंज वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स जितनी हाई होंगी उतनी हमारे सिग्नल रिसेप्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यहाँ पे डिजिटल टीवी होने के कारण रिसेप्शन जो है वो इम्प्रूवड है इन फ्रिंज एरिया। आई होप आपको ये सारा लेक्चर क्लियर है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है देन वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।